नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल नॉलेज की दुनिया पे आपका स्वागत है। हर रोज अमेजिंग नॉलेज पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, चुनाव का माहौल है और चुनाव में हर किसी को वोट करना चाहिए। किसी ने वोट दिया है या नहीं, इसे पहचानने का एकमात्र तरीका है उसकी उंगली पर लगी स्याही। जी हाँ, वोट डालने के बाद चुनाव अधिकारी चुनाव देने वाले की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही लगाते हैं जिसे आप आसानी से नहीं मिटा सकते। पर क्या कभी आपने सोचा है कि चुनावी स्याही क्या है और यह क्यों नहीं मिटती? दरअसल दोस्तों, इस स्याही का इतिहास काफ़ी पुराना है। असल में बात 1951 या 52 की है, जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे। उस समय वोट देने वाले की उंगली पर वोट डालने के बाद कोई निशान नहीं लगाया जाता था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे और चुनाव आयोग को फर्जी वोटों की शिकायत आने लगी। इस परेशानी से निजात पाने के लिए अमिट स्याही का विचार आया और चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया NPL से एक स्याही बनाने के बारे में बात की जिसे आसानी से ना मिटाया जा सके। NPL ने ऐसी स्याही खोज की जो पानी या किसी रसायन से मिट नहीं सकती थी। NPL ने मैसूर पेंट एंड वर्निश कंपनी को इस स्याही को बनाने का ऑर्डर दिया। साल 1962 में हुए चुनाव में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया और तब से अब तक इसी स्याही का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है जो इस स्याही को फोटो सेंसिटिव नेचर का बनाता है। इससे धूप के संपर्क में आते ही यह और ज़्यादा पक्की हो जाती है। जब यह स्याही नाखून पर लगाई जाती है तो यह भूरे रंग की होती है, लेकिन लगाने के बाद गहरे बैंगनी रंग में बदल जाती है। काफ़ी देशों में इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको बता दें, भारत इस स्याही का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जब चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर स्याही लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से धोया नहीं जा सकता। दोस्तों, यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने होते जाते हैं और वे उतरने लगते हैं। उच्च क्वालिटी की चुनावी स्याही 40 सेकंड से भी कम समय में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेज़ी से होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर यह अपना निशान छोड़ देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेर सारी अमेजिंग नॉलेज पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।